नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुश वहा, आपका स्वागत है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार के प्लेटफॉर्म पर। हम चूंकि इतना लेट क्यों आ पाते हैं, चूंकि पहले से मैं पहले भी बता चुका हूं कि ऑलरेडी मैं जॉब करता हूं, तो जॉब की वजह से पूरा समय, जॉब का समय मैक्सिमम जॉब में चला जाता है। फिर जो समय बचता है तो जो ऑनलाइन आपके लिए क्लासेस देते हैं TGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर GIC KVS MVS की, तो उसमें समय चला जाता है। तो बहुत ज्यादा हम फ्री नहीं है। जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जो मैं हूँ, तो प्योर मतलब जो कोचिंग माइंड होते हैं ना, कि अलग अलग करके प्रलोभन देना और हर घंटे या हर 4 घंटे में नया वीडियो जारी करना, तो वो हो नहीं पाता है हमसे। चूंकि दूसरी चीज है, जो हम जानकारी देते हैं वह जानकारी बहुत ही ऑथेंटिक होती है। हम कभी भी भ्रामक जानकारी नहीं देते हैं। एक तो विषय वस्तु जो हमारी है वह यह है कि जो लगातार कॉल्स आ रही हैं, या आपके फोन कॉल्स के माध्यम से या मैसेजेस के माध्यम से आप एक ही सवाल पूछते हैं, क्या सर दिसंबर और जनवरी में एग्जाम हो सकता है? तो देखिए, हमें इन चीजों में नहीं पढ़ना कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हमें इस चीज में पढ़ना है कि हम अपनी तैयारी को पूरा कर लें। अभी हमारे पास लगभग 2 माह का समय है, तो हम अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि आप फॉर्म डाले हैं तब कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे हैं और आप अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। हमें इस पर नहीं पढ़ना है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। अरे भाई, अगर हो जाएगा तो आपके पास क्या तैयारी है? मान लेते हैं शत्रु ने अगर आप पर आक्रमण कर दिया, तो आपके पास ऐसे कौन अस्त्र शस्त्र हैं जिनका प्रयोग करेंगे? तो हमें इन चीजों में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हम अपने टारगेट लेकर चलते हैं कि मान लेते हैं दिसंबर में एग्जाम होना है और हम एग्जाम को क्रैक करेंगे, तो लगभग हमारे पास 2 माह का समय बचेगा अगर जनवरी में एग्जाम गया तो। तो इस तरह से हम अपनी तैयारी को बना सकते हैं। दूसरा एक और खेल चलता है, रैपिड कोर्स। ये रैपिड कोर्स क्या है? तो ये एक भ्रामक छलावा है। मैं देखिएगा, मैं कभी भी आप जो मित्र हैं लगातार हमसे कहते हैं सर रैपिड कोर्स चलाइए, रैपिड कोर्स में कैसे चला दूं जब मुझे मालूम है कि रैपिड कोर्स में केवल आपको प्रलोभन और ऐसी चीजें साठ में प्रस्तुत करना है जिनका एग्जाम से ज्यादा लेना देना नहीं, और रैपिड कोर्स से कभी एग्जाम निकलता नहीं। आपको चीजें डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी तभी एग्जाम निकलेगा। एग्जाम खेल नहीं है, क्योंकि अगर मान लेते हैं 70,000 फॉर्म बायोलॉजी में पढ़ा है, आप रैपिड कोर्स के माध्यम से क्या एग्जाम क्लियर कर सकते हैं? रैपिड कोर्स में मैंने देखा है कई लोगों को कि वो NCERT के छोटे छोटे मनमोहक टॉपिक ले लेके बताते हैं, तो वो अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है, ये ऐसा है। तो ये रैपिड कोर्स नहीं। हाँ, आप फिर पूछते हैं कि क्या आप सर कैसे हम तैयारी करें, तो मैं कहता हूं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का 899 का एक प्लान है, 1199 का प्लान है। 899 वाला जो प्लान है वो अभी तक वैलिड रहेगा जब तक एग्जाम TGT PGT का नहीं होगा, और 1199 वाला जो प्लान है वह 1 साल परचेज डेट से वैलिड रहेगा। हमने इसमें सारी क्लासेस कंप्लीट कर दी है। हमारी क्लास 35 से 40 मिनट की होती है और मैं नोट्स बना के पढ़ाता हूं। पहली बात, आप सब जानते हैं नोट्स का मतलब क्या है, कि कम से कम एक क्लास के लिए मैं 3-4 घंटे मेहनत करता हूं, तब डाटा एकत्रित करके वो प्रस्तुत करता हूं। वही नोट्स मैं पढ़ाता हूं जिन नोट्सों को मैंने बनाकर TGT क्वालिफाई किया, PGT क्वालिफाई किया। देखिए, TGT 2011 का रिजल्ट निकला, मैं क्वालिफाई था। 16 का रिजल्ट निकला था, क्वालिफाई था TGT। 21 वाले में TGT PGT दोनों क्वालिफाई हुआ, और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्वालिफाई हुआ, GIC का एग्जाम क्वालिफाई हुआ, आश्रम पद्धति का एग्जाम क्वालिफाई हुआ। तो ये एग्जाम तभी क्वालिफाई है जब आपको कंटेंट अच्छा हो, और मुझे मालूम है, मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए और मैं खुद तैयारी करता रहा, तो मुझे मालूम है कि कौन कंटेंट कैसा है और कितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बिल्कुल कहूंगा कि आप अगर कोर्स परचेस करना चाह रहे हैं शॉर्ट टाइम, तो वो रैपिड कोर्स की ही तरह होगा। आप एक दिन में 35 मिनट की अगर क्लास है तो, या 40 मिनट की है, तो लगभग अगर 2-2.5 घंटे आप पढ़ते हैं तो 3 से 4 क्लासेस आप एक दिन में कंप्लीट करेंगे। 2.5 घंटे में या 2 घंटे में लगभग 4 क्लासेस आप डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी की पढ़ेंगे। हमारी जो टोटल क्लासेस हैं वो लगभग 160 केवल थ्योरी क्लास है। 160 थ्योरी क्लास का मतलब है अगर 4 क्लासेस एक दिन में पढ़ते हैं तो 10 दिन में आप 40 पढ़ते हैं, और 30 दिन की अगर बात करें तो 120, और
अगर 40 दिन की बात करें तो आप 160 क्लासेस कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अलावा उसमें हमने एमसीक्यू की क्लासेस, आप थ्योरी वाली क्लास पढ़ेंगे, जब आपका जैसे मान लो बायोफाइट कंप्लीट हो गया तो आप बायोफाइट की एमसीक्यू क्लासेस मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा के डालिए। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप भ्रामक चीजों में ना पड़े, तैयारी करें, मन से करें और आराम से एग्जाम निकल जाएगा। तो मैं इतना ही कहना चाह रहा था। चलिए इसी के साथ नमस्कार।